हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, जितने भी एसएससी वाले एस्पिरेंट हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए इस वीडियो में मेरे साथ। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी मॉड्यूल हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, और जीएस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, इसको आप प्रेस कर ले, सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर ले, ओके, साथ में आगे नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं वो भी आपको बता देता हूं। इस वीडियो में बहुत ज्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 20 से ज्यादा क्वेश्चन बैक टू बैक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेट से रिलेटेड डेटा है। कहने का मतलब ये है यहां पर कि ये जो 20 क्वेश्चन होंगे, ये 20 क्वेश्चन इस आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल फील्ड्स में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे स्टेट से किसी फील्ड में आगे हैं, कोई दूसरा स्टेट ऐसा है जो और भी अनदर फील्ड से दूसरे स्टेट में आगे है। ओके, सो इस केस में, इन सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और आप मुझे आन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, अगर आपको लाइव क्लासेस जीएस की करनी है या फिर करंट अफेयर की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य, द स्टेट विच हैज लिवाइड आरटीआई फर्स्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? यह राज्य है तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है, साउथ का हमारा स्टेट तमिलनाडु, जिसने सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य, यह पहला स्टेट कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम फर्स्टली कंप्लीट क्लीन, पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाने वाला पूरा राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम पूर्ण तरीके से स्वच्छता में नंबर वन पर आया, सबसे पहला ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण तरीके से स्वच्छ हुआ। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। आपसे देखो, क्वेश्चन का मतलब यहां पर समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ऐसा राज्य जिसको डिवाइड किया गया था या फिर जिसको बनाया गया था बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर जिसको बनाया गया था, मतलब वहां की बोली के आधार पर उस स्टेट को डेवलप किया गया था। बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसे लैंग्वेज के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षर होने वाला पहला राज्य। आपसे कह रहा है विच स्टेट हैज बिकम कंप्लीट लिटरेट फर्स्टली, सबसे पहला राज्य जो कि पूरी तरीके से साक्षर हुआ। एसएससी ये क्वेश्चन पूछ पूछ के थक चुका है, आरआरबी एनटीपीसी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कई बार। ये है केरला, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है, एनसीईआरटीज में दिया रहता है आजकल ये क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। ये पॉलिटी में मैं आपको पढ़ाता भी हूं। ये है आपका राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। इसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहला राज्य जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो फर्स्ट स्टेट इन विच फर्स्टली प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है पंजाब। अभी आजकल यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चल रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिड डे मील सबसे पहले शुरुआत हुई? मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ही वो स्टेट है जहां पर मिड डे मील की शुरुआत हुई। मिड डे मील समझते हैं ना, जो ये प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पर बच्चों को जो लंच की फैसिलिटी दी जाती है सरकार की तरफ से, दिस इज कॉल्ड मिड डे मील। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर मैं देखता हूं कौन बता पाता है। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके देखिए, एटलीस्ट आपको पता लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य। आपको पता ही होगा, लोकपाल बिल पारित हो चुका है और भारत के पहले लोकपाल भी बन चुके हैं पिनाकी चंद्र घोष। तो अब आपसे कह रहा है, जिस तरीके से सेंट्रल में लोकपाल होता है उसी तरीके से स्टेट में एंटी करप्शन अधिकारी जो पहला होता है वो कौन होता है? वो होता है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले किस राज्य में हुई? ये हुई महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलों को प्रतिबंधित कर दिया। प्लास्टिक फ्री तो करना ही है हमें इस अर्थ को, इस टाइम पे आप देख रहे हो हर स्टेट धीमे धीमे इसकी ओर अग्रसर है, हर कंट्री प्लास्टिक बैन कर रहा है धीमे धीमे करके। तो ये भारत का पहला कौन सा स्टेट है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, विच हैज इम्पोज्ड बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया हिमाचल प्रदेश, जहां पर प्लास्टिक को सबसे पहले बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला राज्य जहां सबसे पहले बाघ संरक्षण बल की स्थापना करी गई। बाघ संरक्षण बल, इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। मतलब जो टाइगर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक अलग से फोर्स बनाई गई। तो इसको सबसे पहले, इसकी स्थापना कहां करी गई, ये करी गई कर्नाटका स्टेट में हमारे। अगला क्वेश्चन है, महिला बैंक किस राज्य में सबसे पहले स्थापित करी गई। ये कौन सा स्टेट है जहां पर महिला बैंक, विमेन बैंक पूरा स्थापित किया गया, मतलब एक ऐसा बैंक जहां पर पूरा स्टाफ महिलाओं का है। तो ये स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे पहला ऐसा बैंक खोला गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू लॉन्च गार्बेज कैफे। ये तो मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले का ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। गार्बेज कैफे लॉन्च करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन सा है। तो गार्बेज कैफे को लॉन्च किया गया सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। अब जिन लोगों को नहीं पता है गार्बेज कैफे, मैं बता देता हूं, गार्बेज कैफे एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री करने के लिए एटमॉस्फेयर को एक पहल चलाई गई है। इस स्कीम के तहत आपको 1 किलो प्लास्टिक ले जाना है, 1 किलो प्लास्टिक अगर आप जाके 1 kg प्लास्टिक आप सबमिट करते हो तो उसके बदले में आपको 1 meal मिलेगा, एक टाइम का आपको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा आपको एक टाइम का। ओके, तो है ना बिल्कुल बढ़िया स्कीम, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लास्टिक ले जाकर जमा करना है और एक टाइम का मील आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली विच स्टेट हैज बैंड ई सिगरेट। ई सिगरेट को बैन करने वाला, ई सिगरेट प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये है राजस्थान। राजस्थान को इसकी वजह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर वॉज एसोसिएटेड इन विच स्टेट। आपसे कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले एक महिला चीफ मिनिस्टर नियुक्त करी गई थी। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और इनका नाम क्या है चीफ मिनिस्टर का, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश में कब से कब तक सर्व किया है, तो इन्होंने 1963 से लेकर 67 तक सर्व किया है। ओके, तो 63 से लेकर 67 तक ये मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। फर्स्टली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आपसे कह रहा है पहला राज्य ये कौन सा है जिसने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी। तो ये राज्य है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब देखो, अभी बात करी जा रही थी रोजगार गारंटी स्कीम की, अब बात करी जा रही है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में नरेगा भी बोलते हैं, बहुत फेमस स्कीम है ये। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करता है तो फिर ये कहां पर स्टार्ट हुई, आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की, तो इसकी शुरुआत कहां हुई, महाराष्ट्र में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम फर्स्टली। आपसे कह रहा है सबसे पहले किस राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई। तो खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई छत्तीसगढ़ में। फर्स्टली विच स्टेट हैज इम्पोज्ड बैन ऑन हुक्का बार्स। ये जो हुक्का बार नहीं होते हैं, तो हुक्का बार को सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाला राज्य हमारा कौन सा बना, ये बना पंजाब। पंजाब ने सबसे पहले हुक्का बार्स को बैन कर दिया। विच स्टेट हैज इम्पोज्ड वैट फर्स्टली। वैट मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स को सबसे पहले इम्पोज किया है कौन सी राज्य सरकार ने, ये है हरियाणा, देश का पहला राज्य जिसने वैट लगाया था। अभी अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट हु हैड एग्रीड विद जीएसटी बिल। देखो क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो। देखो जीएसटी तो पूरे भारत में ही एक साथ लागू हुआ, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपसे कह रहा है पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल पर सहमति जताई, तो ये राज्य कौन सा है। जी हाँ, ये राज्य है आसाम। आसाम ने सबसे पहले, जब भारत सरकार ने 122वां संशोधन किया है जीएसटी को लाने के लिए संविधान में, तो सबसे पहले जब इस बिल को लाया गया था तो इस पर सहमति जताई थी आसाम की सरकार ने। तो आसाम पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले इस पर एग्री हुआ था। जो इसके बाद
ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया यूज्ड ईवीएम, ये जो ईवीएम मशीन होती है ना जिस पर आप वोटिंग करते हो, तो आपसे क्वेश्चन ये है, भारत का पहला राज्य जहां ईवीएम मशीन उपयोग करी गई सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए, लेकिन मुझे बताइए इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिखकर, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड 1777, इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा और आप मेरी लाइव क्लासेस कर पाएंगे, करंट अफेयर की भी और जीएस के क्रैश कोर्स की भी। साथ ही आपको एक चीज बता दूं, सब्सक्रिप्शन आपको एक बार लेना है और यहां पर जीएस ही नहीं, साथ में आप और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे सब्जेक्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।